है कि यूपी के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया है, वहाँ सरकारी गुंडे हम उनको कहेंगे, वहाँ एक मंत्री के बेटे ने अजय मिश्रा है, वहाँ का मंत्री है, उसका बेटा है मोनू मिश्रा, उसने आंदोलन कर रहे किसानों पर, सड़क पे बैठे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं, जिससे कई किसानों की हत्या कर दी गई है और बहुत से किसान वहाँ पर जख्मी हैं। और डिप्टी सीएम है वहाँ का, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मिश्रा, इसका वहाँ पे कोई प्रोग्राम था। तो हमारी मांग है कि जो डिप्टी सीएम है वो तुरंत रिज़ाइन करे, और ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी, तुरंत इनको अरेस्ट करें, इनको गिरफ्तार करें, अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहाँ पे थे जिन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियाँ चलाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें, 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। और सभी लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, लखीमपुर खीरी जिला है और उसमें नगासन तहसील है, जो भी घटनास्थल है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, बहुत से नेता भी वहाँ पर, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता वो ही पहुंच रहे हैं। मैं अभी गुरदासपुर में हूँ, अभी यहाँ से चल पड़ा हूँ, सुबह तक जो है वो मैं वहाँ पे पहुंच पाऊँगा। और एक मेरी बेनती वहाँ के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं उनका संस्कार ना किया जाए, वहाँ पे फ्रिज मंगा लें, फ्रिजों में लगा दें, जनरेटर का इंतजाम करें, तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। हमें उनको जेल करवानी है, उनको अंदर करवाना है, तो भाई वहाँ संस्कार ना करें। और ये आंदोलन पूरे देश में जो है वो